गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेवेंथ पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो इन सेवेंथ पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट मल्टीप्लीकेशन। विच टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन? तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट टू जीरो फाइव मल्टीप्लीकेशन ऑफ 206। वट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आफ्टर दैट इनका जो है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद से उसको ऐड कर देंगे। तो यहां देखते हैं कि 6 × 5 = 30 एंड 6 × 2 + 5 × 2 = 5 × 2 एंड थर्ड पॉइंट इज इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 2 × 2 = 4। इन दोनों का क्या करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 6 × 5 = 12 और प्लस 5 × 2 = 10। तो इनका एडिशन करेंगे एंड 30। तो 4 एंड 12 एंड 10 22 एंड 30। अब क्या करेंगे कि जितने ये नंबर हैं, ये इन नंबरों को क्या करेंगे, यूं ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी कि 4 × 2 = 2 = 3 = 0 इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। यानी कि दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो वी कैन सॉल्व इट विद इन 5 सेकेंड बाय द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिक्स। आफ्टर दैट कि हाउ कैन चेक इट कि इज दैट आंसर इज राइट और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सॉल्व इट वेरी इजली एंड सिंपल मेथड। तो 205 एंड 206, 6 × 5 = 30 एंड 6 × 2 = 12। ओके, 000 यानी 000, ठीक। एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन इस नंबर में करेंगे तो 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4 यानी 0 3 2 2 4 यानी 4 2 2 3 0 इज द राइट आंसर। तो वी कैन चेक इट बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड। एंड अदर एग्जांपल इज दैट 307 × 405। वट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर? तो मैंने बताया कि इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होता है 35 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 × 3 = क्या होता है 15 और प्लस 7 × 4 = 28। एंड मैंने बताया इनका क्रॉस इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 × 3 = कितना होगा 12। तो 12 इज हियर। एंड मैंने बताया इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। तो 8 × 5 = 13 13 × 3 = 1 carry। तो 2 × 1 = 3 और 1 = 4 एंड 3 × 5। तो जब इतना नंबर ये है हमारे पास, तो वी कैन राइट हियर 12 4 3 35 इज अ राइट आंसर एंड दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो हाउ कैन यू चेक? तो बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड यू कैन चेक। तो 307 एंड 405, 7 × 5 = 35 एंड 5 × 3 = 15 एंड 000 एंड 4 × 7 = 28। तो 28 एंड 4 × 3 = 12 यानी 5 3 3 4 और 1 2 यानी 12 4 3 3 5 इज द राइट आंसर। तो यू कैन चेक बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड कि दिस मेथड इज रॉन्ग या रॉन्ग या राइट। एंड अदर एग्जांपल इज दैट 3rd question इज दैट कि 705 एंड 805
व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया इनका क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर दैट इनका मल्टीप्लीकेशन। तो 5 जा 25 एंड क्रॉस 35 इंटू 8 जा 40 एंड 8 जा 56। तो 56 इंटू ये 75 इंटू ये 25, वी कैन राइट हियर सेम डिजिट 567525 इज द राइट आंसर ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो यू कैन सॉल्व इट विद इन 5 या 10 बाय द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिक्स। आफ्टर दैट जो 1 से मल्टीप्लीकेशन होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर किसी नेचुरल नंबर में होता है तो उनका जो है कि आंसर क्या निकल के आएगा, उनका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा उसको देखते हैं। तो जितने भी 1 का मल्टीप्लीकेशन होंगे, 1 का मल्टीप्लीकेशन, तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 डिजिट नंबर है। क्या है 3 डिजिट, यानी कि 312 है, ये 212 है आपके पास कोई डिजिट है। एग्जांपल है, ये हमारे फर्स्ट एग्जांपल है, हमें इनका मल्टीप्लीकेशन 1 करना है। तो कैसे करेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन, देखिए 2 है ये, इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे और ये 2 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आफ्टर दैट जो है कि इनका जोड़ कर देंगे तीनों का, तो 2 1 2 1 3 और 2 1 3। और अब 1 से जितने भी मल्टीप्लीकेशन है विथ नेचुरल नंबर के साथ, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे, क्या आएंगे नेचुरल नंबर के साथ 1 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 का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट 2 1 2 एंड मल्टीप्लीकेशन 1 1, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल एंड इजली मेथड को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे इस नंबर को लेकर चलना, यहाँ पे देखना है हमारे पास कितने 1 है, 2 1 है, तो इनको जो है कि हम 2 2 नंबर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर होगा हम जेव कहते हो लिख देंगे, यानी 2, और दूसरे इस 2 को इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 1 क्या आ जाएगा आपका 3। फिर जो है इस दूसरे वाले नंबर को इसमें ऐड करेंगे, ठीक, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और जो ये लास्ट वाला नंबर है उसको लिख देंगे हम जेव कहते हो। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। मैंने कहा कि इस 2 को लिख देंगे जेव कहते हो 2, फिर इस 2 को इसमें ऐड करेंगे लिख देंगे 3, इस 1 को इसमें ऐड करेंगे लिख देंगे 3, और इस 2 को जेव कहते हो लिख देंगे। देखिए 2 नंबर अगर है हमारे पास तो हम कितनी बार जोड़ सकते हैं, 2 बार जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं 2 बार जोड़ सकते हैं मैक्सिमम, 3 बार तो जोड़ नहीं सकते। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 बार जोड़ा है इनको, बाकी नंबरों को जेव कहते उतार दिया है। अगर 3 नंबर आते तो 3 बार जोड़ते, 3 बार जोड़ने के बाद से जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको जेव कहते उतार देते, फर्स्ट वाले नंबर को भी जेव कहते उतार देते इकाई अंक वाले को। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल इज दैट सेकेंड एग्जाम्पल 3 3 1 4 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 1, टू डिजिट नंबर 1 1। तो मैंने बताया कि सिंपल मेथड यूज करेंगे, ये जो नंबर होगा जेव कहते हुए लिख देंगे, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और 3 को जेव कहते हुए यहाँ पे रख देंगे। तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस आंसर एंड दिस इज आंसर। तो इसको चेक कर सकते हैं आप लोग, हाउ कैन यू चेक, तो यू कैन चेक वेरी इजली मेथड एंड सिंपल मेथड।
फर्स्ट 3 1 4, 1 1 का मल्टीप्लीकेशन है तो 4 1 3 और 4 1 3, तो 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस नंबर। एंड इसका भी चेक कर सकते हैं, तो 2 1 2, 1 1 का, तो 2 1 2, 2 1 2, यानी 2 2 1 3, 2 1 1 2 3 और 2, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 नंबर का आ जाए, हम अदर एग्जांपल इज दैट 2 1 2 इंटू 1 1 1, हाउ कैन इट सॉल्व, तो वी कैन सॉल्व इट विथ सिंपल मेथड बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड एंड ऑल्सो अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया, इनको यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद से मैंने कहा इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 3, और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे तीनों नंबरों को एक साथ ऐड कर देंगे, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा 5, और फिर क्या करेंगे, इस नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे तो 3, और इस 2 को मैंने बताया जो करते हुए यहाँ पे लिख देंगे, तो दिस इज आंसर ऑफ दिस नंबर। हाउ कैन यू चेक, तो यू कैन चेक वेरी इजली मेथड एंड सिंपल मेथड 2 1 2 1 1 1, तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2, यानी 2 3 5 3 और 2, दिस इज द राइट आंसर। तो यू कैन सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, यानी वैदिक मैथ। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।